7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था, तो उसके बाद इजरायली सेना ने गाजा के ऊपर जमीनी हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन गाजा में युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद लेबनान का हिजबुल्ला और यमन का हूती हमास को बचाने के लिए मैदान में उतर आए थे। हालांकि अब इजरायली सेना ने लेबनान पर भी हमला कर दिया है और इस हमले से पहले आईडीएफ ने 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह को राजधानी बेरूत में ढेर कर दिया था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद यमन के हूती का हौसला कम नहीं हुआ, बल्कि अब वो लाल सागर से आगे बढ़कर इसराइल के तेल अवीव तक पहुंच चुका है। आए दिन तेल अवीव में हूती की मिसाइलें और ड्रोन बरस रहे हैं। अब इसी कड़ी में हूती ने एक बार फिर से इसराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया। दरअसल हूती ने इसराइल के अश्केलोन शहर पर एक बार में कई ड्रोन बरसाए हैं। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहा सारी ने भी इन हमलों की पुष्टि कर दी है। सारी का कहना है कि हूती के लड़ाकों ने एक इंडस्ट्रियल जोन पर एक सफल ड्रोन हमला किया है। نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان جنوبية فلسطين المحتلة وقد نفذت العملية بعدد من الطائرات المسيرة ونجحت المسيرات في الوصول إلى أهدافها بفضل الله. वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने भी एश्केलोन और नहारिया में धमाकों की खबर दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक लेबनान की तरफ से इजरायल पर ड्रोन फायर किया गया था। हालांकि इस हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि ये ड्रोन खुले इलाके में जाकर फट गया। इजरायली सेना ने अपने बयान में आगे कहा कि दक्षिणी इसराइल के एश्केलोन के खुले इलाके में एक ड्रोन गिरने की शुरुआती जाँच में पता चला कि ये ड्रोन यमन से दागा गया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी हूती ने तेल अवीव में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनके जवाब में आईडीएफ के लड़ाकू जेट्स ने यमन के भीतर हूती के बिजली घरों, बंदरगाहों और तेल भंडारण को निशाना बनाया था। आईडीएफ ने ये हमले यमन के पश्चिमी शहर हुदैदिया पर किए थे। आपको बता दें कि यहाँ पर भी हुदैदिया प्रांत को हूती का गढ़ माना जाता है और यहीं से हूती लाल सागर में इसराइल और अमेरिकी जहाजों पर हमले करता है। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इसराइल पर ड्रोन हमला करने से पहले हूती ने लाल सागर में तीन बड़े हमले किए थे। हूती के मुताबिक उसने अरब सागर में एससी मॉन्ट्रियल जहाज पर दो ड्रोन अटैक किए। वहीं इसी इलाके में एक और जहाज पर क्रूज मिसाइल फायर की। तीसरा हमला भी हुआ जहां पर हूती ने मोटारो जहाज पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हूती का कहना है कि इन तीनों ही जहाज की कंपनी ने फिलिस्तीनी बंदरगाह पर लगे एंट्री पर बैन का उल्लंघन किया था। इन तीनों ही जहाजों पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। एससी मॉन्ट्रियल ओमान की तरफ जा रहा था, जबकि एक दूसरा अज्ञात जगह की तरफ बढ़ रहा था। वहीं मोटारो रूस से चीन की तरफ जा रहा था। वहीं इस हमले को लेकर यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने कहा कि उसे यमन के मोखा से करीब 46 किलोमीटर की दूरी पर हमले की जानकारी मिली थी। जानकारी के मुताबिक उसे जहाज के करीब तीन धमाकों की सूचना मिली जो अलग अलग समय पर हुए। हालांकि इस हमले में जहाज का चालक दल पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं मोटारों को लेकर ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर का कहना है कि इस जहाज का इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि इस जहाज पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि इसी कंपनी का एक जहाज इजराइल गया था।